भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। इसका जीता जागता उदाहरण BPSC से नियुक्त एक शिक्षक के दूसरे विद्यालय में नियुक्ति होने पर देखने को मिला, जहां छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। मामला गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड स्थित सेलार कला गाँव का है। यहाँ बुधवार को राबड़ी देवी गर्ल्स प्लस टू विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार मधु का विदाई समारोह था। मुखीराम प्लस टू विद्यालय थावे में योगदान करना था। प्रधानाध्यापक का दूसरे विद्यालय में नियुक्ति होने पर गांव के लोगों ने शिक्षक की विदाई एक अनोखे अंदाज में की। वहीं स्कूल की छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी। शिक्षक को विद्यालय से जाने पर रोकने के लिए छात्राएं पूरी तरह से परेशान दिखी। वहीं फूट फूट कर रोने से पूरा माहौल भी गमगीन हो गया। यहां पढ़ने वाली 300 छात्राएं मायूस दिखी। विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार मधुप की विदाई होने पर छात्राएं इस कदर रोने लगीं कि 12 छात्राएं बेहोश हो गई। इनमें प्रियंका सोनी, खुशी कुमारी, श्वेता कुमारी, अदिति कुमारी, सलोनी कुमारी, काजल कुमारी, शिल्पी कुमारी, नंदिनी कुमारी, मुस्कान खातून, गुंजा कुमारी, गुंजन कुमारी, स्नेहा कुमारी शामिल थी, जिन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बताती है कि सर अब दूसरे स्कूल जा रहे हैं, इसलिए हम सभी स्कूल के बाहर खड़े हैं। हमें यही सर चाहिए, कोई दूसरा सर नहीं चाहिए। जब तक कि सर नहीं आते हैं तब तक हम इसी तरह परेशान रहेंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।